नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बाजारों की चाल में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शेट्टी और बाजारों की चाल में आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं यहां पे कृषि फसल बाजार का अपडेट। जानेंगे कि शाम के कारोबारी सत्र में कृषि फसलों का वायदा बाजार NCDEX कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है, किस कृषि फसल के अंदर कितनी मंदी तेजी के साथ कारोबार दर्ज किया जा रहा है और उस पर हमारे एक्सपर्ट की क्या राय रहेगी, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको भी लॉकडाउन लगने का डर है और ये डर सता रहा है कि कहीं आपकी दुकान, आपका कारोबार कहीं एक बार फिर से ठप ना पड़ जाए, तो ऐसे में आपका कारोबार उठाने, आपका कारोबार बचाने और आपकी सेल बढ़ाने आ गई है माई बिग ब्लिस ऐप। माई बिग ब्लिस ऐप के जरिए आप घर बैठे बैठे लॉकडाउन में भी अपनी दुकान 24 घंटे चला सकते हैं, वो भी बिना बाहर निकले। अब वो कैसे क्या करना है वो भी बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको माई बिग ब्लिस ऐप को प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद इस पर आपको अपनी दुकान रजिस्टर कर लेनी है। दुकान रजिस्ट्रेशन का और ऐप डाउनलोड करने का कोई चार्ज नहीं है, ऐप बिल्कुल मुफ्त है, रजिस्ट्रेशन भी बिल्कुल मुफ्त है, 1 रुपया भी आपको किसी को नहीं देना है रजिस्ट्रेशन के दौरान। जब आपकी दुकान रजिस्टर हो जाएगी तब आपके पास ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे और फिर आप अपना कुछ भी सामान माई बिग ब्लिस ऐप पर बेच सकते हैं, वो भी बिना किसी झंझट के। आपको बता दें कि ज़रूरी नहीं कि आप पहले से कोई कारोबार कर रहे हों, कारोबारी हों, तभी आप माई बिग ब्लिस ऐप पर अपनी दुकान रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आप कोई स्टार्टअप करना चाह रहे हैं या फिर कुछ भी सामान बेचना चाह रहे हैं, अपना XYZ जैसे कपड़े हुए, मोबाइल फ़ोन्स हुआ, ग्रोसरी आइटम हुआ, मसाले हुए, कुछ भी जैसा आप बेचना चाह रहे हैं, तो आप माई बिग ब्लिस ऐप पर बेच सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप पहले से कोई कारोबारी हों, जैसे आप स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ हैं या फिर कोई एम्प्लॉई हैं, तब भी आप माई बिग ब्लिस ऐप के ज़रिए अपना सामान बेच सकते हैं। इसी के साथ शुरुआत कर लेते हैं आज के कृषि फसल बाजार के अपडेट की। सबसे पहले बात करेंगे कैसा सीड से। हम देख रहे हैं कि कैसा सीड का जनवरी वायदा 5928 पर ट्रेड करता नज़र आ रहा है, 0.25% की तेज़ी देखने को मिल रही है। देख रहे हैं कि कैसा सीड का वायदा बाजार 5900 के ऊपर ही सस्टेन होके चल रहा है, सस्टेन देखने को मिल रहा है 5900 के ऊपर। आपको बता दें कि कैसर की जो डिमांड है उसमें थोड़ी कमी देखने आपको देख बता दें कि कैसे की जो आपको बता दें कि कैसे की जो डिमांड है उसमें थोड़ी कमी देखने को मिली है, जिसकी वजह से कैसे की डोमेस्टिक डिमांड और एक्सपोर्ट डिमांड दोनों में ही थोड़ी कमी देखने को मिली है, जिसकी वजह से कैसे की जो कीमतें हैं उनमें एक सीमित दायरे में ट्रेड दर्ज किया जा रहा है। हालांकि इस बात का सपोर्ट ज़रूर मिल रहा है कैसे की कीमतों को कि कैसे का जो उत्पादन है वो लगभग पिछले तीन साल में सबसे कम रह सकता है, लगभग 9 लाख टन का अनुमान लगाया जा रहा है कि 15.98 लाख टन, यानी कि लगभग 16 लाख टन ही मान के चलिए कि 16 लाख टन कैसे सीर का उत्पादन इस बार देखने को मिल सकता है। लेकिन कैसे सीर की जो कीमतें हैं उनमें अभी कुछ ज़्यादा बढ़त की उम्मीद देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि आने वाले समय में ऐसे अभी आशंका जताई जा रही है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि कैसे सीर में आने वाले समय में कुछ बढ़त देखने को मिल सकती है। हालांकि कैसे सीर की जो बाज़ार है उसमें इतना कुछ उछाल देखने को नहीं मिल रहा है। और अब दूसरा, अब ओमिक्रॉन भी आ गया है, लॉकडाउन की आशंका लगे ना लगे इस ये भी आशंका है। दूसरा क्या है कि अभी अगर लॉकडाउन लगता है या फिर कर्फ्यू भी रहता है किसी भी तरह का, कुछ भी बाधा सामने आती है ओमिक्रॉन के केसेस से रिलेटेड, तो हो सकता है कि सप्लाई थोड़ी बाधित हो जाए। और अगर सप्लाई बाधित रहेगी और डिमांड बाधित रहेगी तो हो सकता है कि कैसे सीर का वायदा बाजार थोड़ा लुढ़कता हुआ भी नजर आए। लेकिन आगे जाके जानकार बता रहे हैं कि थोड़ी लंबी अवधि में कैसे सीर में कुछ बढ़त देखने को मिल सकती है, लेकिन वो ज़्यादा समय के लिए नहीं रहेगी। बात करें यहाँ से अगर आप बिनौला खल की, तो बिनौला खल का जनवरी वायदा देख रहे हैं 3325 पर ट्रेड करता नज़र आ रहा है। हम देख रहे हैं कि बिनौला खल का जनवरी वायदा 3330 पर ट्रेड करता नज़र आ रहा है, लगभग 1% की करेक्शन बिनौला खल में देखने को मिल रही है। हम देख रहे हैं कि बिनौला खल की जो कीमतें हैं 3400 का लेवल दिखाने के बाद 3300 के लेवल्स पर ही ट्रेड करती नज़र आ रही है। 3400 का लेवल हमने बीते कारोबारी सप्ताह बिनौला खल में लगते हुए देखा था, लेकिन वहाँ पे सस्टेनेबिलिटी नहीं देखने को मिली है। वहाँ पे बिनौला खल का वायदा बाजार 3400 पर टिक नहीं पाया है, 3400 के ऊपर ट्रेड करता नज़र नहीं आ पाए, इसलिए देख रहे हैं कि 3300 के रेंज में ट्रेड करता नज़र आ रहा है। आपको बता दें कि बिनौला खल में जो जानकार हैं लगातार पॉजिटिव ही हैं कि बिनौला खल की कीमतों में लगातार तेज़ी ही देखने को मिलती रहेगी। बिनौला खल में इस बार काफ़ी शानदार रिटर्न मिलता हुआ नज़र आ सकता है साल 2022 के अंदर, ऐसा
एक्सपर्ट्स का मानना है। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग आपको बता दूं कि बिनौला खल की जो इंडस्ट्रियल डिमांड है वो थोड़ी ज़्यादा देखने को मिल सकती है इस बार, क्योंकि डेयरी और पोल्ट्री इंडस्ट्री से बिनौला खल की जो इंडस्ट्रियल डिमांड है वो देखने को मिल सकती है इस बार। जो पशु हरे जो घास खिलाई जाती है पशुओं को, चाहे सूखी घास हो चाहे हरी घास हो, उनकी कीमतों में बढ़त देखने को मिली है, जिसकी वजह से पशु की जो लागत है उसमें थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। इसलिए जो इन्वेस्ट था पशुओं के ऊपर वो थोड़ा कम किया गया। दूसरा, लॉकडाउन भी लगा था तो पशुओं के ऊपर इन्वेस्टमेंट थोड़ी कम की गई, उस टाइम पे जो कीमतें थी वो ज़्यादा बढ़ गई थी। और अगर जब इन्वेस्ट कम किया गया है पशुओं के खान पान में, उसमें कमी रखी गई है, तो उसका असर दूध उत्पादन पर पड़ा है और दूध की कमी थोड़ी देखने को मिली है इस बार। हम देखा है कि जो साउथ में कुछ राज्य जैसे तेलंगाना हो गया, कर्नाटका हो गया, वहाँ पर दूध की जो कीमतें हैं उनमें बढ़त देखने को मिली है। राज्य सरकारों ने दूध की कीमतें बढ़ा दी हैं, जिससे कि आमजन को भी थोड़ा ये देखने को मिल रहा है कि इस सीज़न में दूध की कीमतें आमतौर पर नहीं बढ़ती हैं लेकिन इस बार बढ़ी हैं, तो वो भी थोड़े चकित थे, वो भी थोड़े सरप्राइज थे कि इस बार दूध की कीमतें बढ़ क्यों गई, क्योंकि पशुओं को इस बार खान पान सही से नहीं दिया गया है, क्योंकि हरी घास सूखी घास की जो कीमतें थीं उनमें बढ़ोतरी देखने को मिली, लागत ज़्यादा देखने को मिली, लॉकडाउन लगा था इसकी वजह से पशुओं पर इन्वेस्टमेंट कम की गई है, पशुओं पर लागत कम लगाई गई है, जिसका असर दूध उत्पादन पर पड़ा। अगर दूध उत्पादन कम है तो दूध की कीमतों में बढ़ोतरी देखी गई है। और पशुओं में दूध बढ़ाने के लिए बिनौला खल यानी कि कपासिया खली ही एकमात्र ऐसा उत्पाद है जो दूध में फैट की मात्रा को और उसके उत्पादन को बढ़ा सकता है। बाकी खलों की बात करेंगे, जैसे सोया खली, सरसों खली या बाकी खल जैसे जो भी होते हैं, उनमें प्रोटीन तो होता है जो पशुओं के लिए फ़ायदेमंद होता है, लेकिन दूध की में फैट की मात्रा और दूध के उत्पादन की मात्रा बढ़ाने का काम जो करता है वो बिनौला खली करता है। तो इसलिए बिनौला खली की जो इंडस्ट्रियल डिमांड है वो आगे देखने को मिल सकती है। और पाउडर मिल्क की भी जो कीमतें हैं उनमें भी बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसकी वजह से आगे चल के बिनौला खल की कीमतों में और उछाल देखने को मिल सकता है। आपको बता दें कि कॉटन की कीमतों में भी तेज़ी देखने को मिली है। आपको बता दूं कि इस बार कपास बीज की जो किल्लत है वो देखने को मिली है, और अगर कपास बीज की जो कमी है वो रहेगी तो ऑब्वियसली बात है कि उससे जो उत्पादन होता है बिनौला खल उसमें भी कमी देखी गई है। लगभग 10-15% की कमी बिनौला खल में इस बार देखने को मिली है, 10-15% की कमी बिनौला खल के उत्पादन में इस बार देखने को मिली है। तो उत्पादन कम है, डिमांड ज़्यादा है और आगे डिमांड भी और देखने को मिल सकती है, जिसका असर साफ साफ बिनौला खल की कीमतों पर पड़ता दिखाई दे सकता है। तो बिनौला खल में आगे कीमतें क्या रहेंगी और क्या स्ट्रेटजी बनाकर चलना सही रहेगा, जान लेते हैं अपने एक्सपर्ट से। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं SMC के रिसर्च एसोसिएट रविंद्र शर्मा जी। रविंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मांगीराम सीवी पर। धन्यवाद जी। रविंद्र जी, देख रहे हैं कि आज बिनौला खल में लगभग 1% की गिरावट देखने को मिल रही है, हालांकि जो लेवल्स हैं वो 3300 के ऊपर ही देखने को मिल रहे हैं। हमने लास्ट वीक देखा था कि 3400 के लेवल्स तो टच किए थे लेकिन वहाँ पे सस्टेनेबिलिटी नहीं देखने को मिली है। आपको क्या लगता है, क्या इस वीक में 3400 के लेवल्स फिर से टेस्ट होते हुए नजर आ सकते हैं? जी, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग है, मैंने उस समय भी आपको बोला था कि इसमें एक हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी और वही विटनेस होती हुई दिख रही है इस समय, और आने वाले हफ्तों में चांसेस है कि वापस से रिकवरी देखने को मिलेगी। सपोर्ट रहेगा इसके लिए 3260 का, वही आपको हायर साइड में 3400 का इमीडिएट रेजिस्टेंस है, और अगर उससे ऊपर होल्ड करता है तो रैली जो है ये 3600 तक एक्सटेंड हो जाएगी जी। तो यानी कि बिनौला खल की कीमतों में अभी और अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। ये अभी शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग यानी छोटी अवधि के लिए मुनाफा वसूली थोड़ी हावी होती हुई नजर आई है, लेकिन फिर से खरीदारी बिनौला खल में और बढ़ती नजर जरूर आएगी, जो कीमतों को ऊपर में रविंद्र जी के मुताबिक 3600 तक लेकर जा सकती है। ये से रविंद्र जी बात करें अगर मसालों की, तो मसालों में देख रहे हैं कि धनिया हुआ, जीरा हुआ, चाहे हल्दी हुई, आज पहले के मुकाबले काफ़ी शानदार प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। देख रहे हैं कि धनिया का जनवरी वायदा 9500 के ऊपर है, 9600 के ऊपर का ही लगा चुका है, 2% की तेजी है। जीरा का जनवरी वायदा देख रहे हैं 17,500 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, और हल्दी भी देख रहे हैं कि 10,000 के ऊपर ट्रेड करती नजर आ रही है। हल्दी की कीमतों में भी अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है। आपको क्या लगता है, क्या ये कारोबारी सप्ताह मसालों के लिए काफी अच्छा रहने वाला है?
जी बिल्कुल, मसालों पैक की बात करें तो मसाला पैक में चांसेस है कि ये फर्दर हायर साइड ही रहेंगे, क्योंकि प्रोडक्शन जो है एक तो उसमें थोड़ी सी कमी है और ऊपर से फसल थोड़ी सी इस समय नुकसान हो रहा है कोल्ड वेव की वजह से, जो कि नॉर्थ इंडिया में चल रही है, और उसी वजह से हम देख रहे हैं कि प्राइसेस जो है वो हायर साइड में है। एक तो डिमांड साइड से भी इसमें इम्प्रूव होता हुआ दिख रहा है कि डिमांड जो लोकल डिमांड और डोमेस्टिक डोमेस्टिक डिमांड और एक्सपोर्ट डिमांड है, ये दोनों इंक्रीज होती हुई दिख रही है, इसी वजह से प्राइसेस जो है ये हायर साइड मूव कर रहे हैं। और धनिया की बात करें तो धनिया अभी और हायर साइड चल सकता है, अभी इमीडिएट अपने रेजिस्टेंस के पास ही ट्रेड कर रहे हैं और फॉर्मेशन काफी ज्यादा पॉजिटिव है, चांसेस यही है 10,700 और 10,800 के लेवल इमीडिएट रहेंगे अगले हफ्तों के लिए इसमें। और टर्मरिक की बात करें तो टर्मरिक में भी लेवल्स जो हैं वो हायर साइड के ही हैं, 10,900 10,950 तक के ये हायर साइड टेस्ट कर सकती है कमोडिटी। और जीरा की बात करें तो जीरा में एक करेक्शन देखने को जरूर मिल सकती है इन लेवल से, क्योंकि अभी इस समय ये डबल टॉप फॉर्मेशन पैटर्न जो है ये बनता हुआ दिख रहा है वीकली चार्ट पे, तो लगता है कि अगले आने वाले एक हफ्ते में इसमें सेलिंग जरूर विटनेस होगी। रविंद्र जी, यहीं से बात करें अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो हम देख रहे हैं कि ग्वार गम और ग्वार सीड में आज काफ़ी अच्छी तेजी बनती नज़र आ रही है। ग्वार गम 11,400 11,500 की रेंज में ट्रेड करता नज़र आ रहा है, 3% का ऊपरी सर्किट है। वहीं ग्वार सीड देख रहे हैं कि 6,300 के ऊपर ट्रेड करता नज़र आ रहा है 2% की तेज़ी के साथ। आपको क्या लगता है, ये जो क्रूड में जो तेज़ी देखने को मिल रही है इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर, क्या उसी का ये असर ग्वार की कीमतों पर पड़ता नज़र आ रहा है? देखिए, ग्वार की जो प्रोडक्शन है उस पे भी एक्सपेक्टेशन है कि वो 5 साल के लो पे होगी, एक तो वो रीजन है और दूसरा क्रूड प्राइसेस भी कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट कर रहे हैं प्राइसेस में, तो ये दोनों प्राइसेस दोनों चीजें जब कर रही हैं तो हम देख रहे हैं कि एक तो फंडामेंटल स्ट्रांग है, ऊपर से टेक्निकल फॉर्मेशन भी स्ट्रांग है, तो यहाँ से फर्दर चांसेस है कि हायर साइड रैली ही देखने को मिलेगी। और ग्वार सीड में पिछले हफ्ते भी जब हमारी बात हुई थी तो उस समय भी मैंने बोला था कि 6,400 से 6,600 तक के ग्वार सीड में लेवल देखने को मिल सकते हैं। वहीं ग्वारगम की बात करें तो ग्वारगम में भी 11,900 तक के लेवल हायर साइड में देखने को मिल सकते हैं। जी, तो यानी कि ग्वार गम और ग्वार सीड, एक तो प्रोडक्शन इनका थोड़ा कम रह सकता है जैसे रविंद्र जी ने बताया कि 5 साल के लो प्रोडक्शन देखने को मिल सकता है, और दूसरा इंटरनेशनल मार्केट में जो कच्चे तेल की जो कीमतें ज़्यादा तेज़ देखने को मिल रही हैं उसका असर भी ग्वार गम ग्वार सीड की कीमतों पर देखने को मिल रहा है। रविंद्र जी के मुताबिक ग्वार सीड 6,400 से 6,600 और ग्वार गम अपर साइड में 11,900 तक के लेवल्स दिखा सकता है। रविंद्र जी, बात करें यहाँ से अगर एडिबल ऑयल की, तो एडिबल ऑयल में आपको क्या लगता है, खास करके सीपीओ में आगे कैसा रुझान रहेगा? देखिए, सीपीओ में हायर साइड ही देखने को मिल सकती है, इंटरनेशनल बाजारों में तेजी बनती हुई दिख रही है और शॉर्ट टर्म करेक्शन हमें देखने को मिली जरूर है अभी पिछले दो ट्रेडिंग सेशंस में, लेकिन आज हमने देखा कि प्राइसेस जो थे ये अगेन 5,000 के लेवल के ऊपर ब्रेकआउट कर गए और उसके बाद में हायर साइड ही सस्टेन कर रहे हैं, तो चांसेस ये लग रहे हैं कि आने वाले दिनों में भी सीपीओ जो है ये पॉजिटिव रहने के चांसेस हैं। जी रविंद्र जी, यहाँ से बात करें अगर कॉटन की, तो कॉटन में हाल ही में खबरें निकल के सामने आई हैं कि जो ज़्यादा प्रीमियम लिया जा रहा है उसकी वजह से जो कॉटन के एक्सपोर्ट है उसमें थोड़ी कमी देखने को मिल सकती है। आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि कॉटन में आगे अगर ऐसा ही चलता रहता है, ज़्यादा प्रीमियम देना पड़ता है, तो क्या आगे एक्सपोर्ट्स में गिरावट देखने को मिल सकती है और क्या उसका असर कॉटन की कीमतों पर देखने को मिल सकता है? देखिए, कॉटन में एक तो राइवल्स जो है वो 15% के आसपास डाउन है, तो इस वजह से चांसेस हैं कि डिमांड जो है ये ज्यादा हैम्पर नहीं होगी इसमें, क्योंकि प्रोडक्शन कम है, तो अगर डिमांड थोड़ी भी कम होती है तो ठीक है, हायर लेवल से करेक्शन जरूर देखने को मिलेगी क्योंकि रैली काफी ज्यादा ओवरस्ट्रेच हो चुकी है, लेकिन ओवरऑल फंडामेंटल्स जो है ये पॉजिटिव साइड की इंडिकेशन दे रहे हैं और टेक्निकल फॉर्मेशंस जो है ये भी पॉजिटिव साइड की है। जी रविंद्र जी, आखिरी सवाल रहेगा मेरा आपसे, टॉपिक्स क्या देना चाहेंगे आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन, जो पूरा कारोबारी सप्ताह अच्छे मुनाफे दिला के चल सकते हैं? देखिए, जीरा को शॉर्ट करके चल सकते हैं, जीरा में स्टॉप लॉस रहेगा हमारा 18,400 के ऊपर का और टारगेट करेंगे डाउन साइड में 17,200 17,500 को। वहीं दूसरा कॉल हमारा रहेगा ग्वार कॉम्प्लेक्स है, तो ग्वार सीड को बाय करके चल सकते हैं 6,600 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस रहेगा 6,100 बिलो। जी,
बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ चर्चा कर लेते हैं यहाँ से आप सोयाबीन की। देख रहे हैं कि सोयाबीन का जनवरी वायदा 6454 पर ट्रेड करता नज़र आ रहा है। आपको बता दें कि सोयाबीन में निचले स्तर से हम देख रहे हैं कि खरीदारी देखने को मिल रही है। सोयाबीन लगातार 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन से देख रहे हैं, लगभग पूरे पिछले कारोबारी सप्ताह से देख रहे हैं कि निचले स्तर से सोयाबीन की कीमतों में खरीदारी देखने को मिल रही है। इस वक्त भी देख रहे हैं कि सोयाबीन में जो लेवल्स हैं ठीक ठाक हैं, 6454 पर ट्रेड करती नज़र आ रही है, 6475 का ही लगा चुकी है, 1% की तेज़ी है। अगर सोयाबीन के बाकी कॉन्ट्रैक्ट्स पर नज़र डालें तो जो हायर दिख रहा है हमें, हाई लेवल दिख रहा है, वो लगभग 6500 का ही दिख रहा है। तो यानी कि अभी हाल फिलहाल में सोयाबीन मैक्सिमम 6500 तक का लेवल दिखा सकती है। आपको बता दें कि साउथ अमेरिका में जो मौसम है वो सोयाबीन के अनुकूल नहीं बताया जा रहा है, खास करके ब्राज़ील और अर्जेंटीना में, वहाँ पर सूखे के हालात हैं। और ब्राज़ील और अर्जेंटीना पूरे विश्व में सोयाबीन के मुख्य उत्पादक और निर्यातक देशों में से एक है। अगर वहाँ पर सोयाबीन के उत्पादन में कमी देखने को मिलती है तो उसका असर वैश्विक सोयाबीन की उपलब्धता यानी कि वैश्विक सोयाबीन की सप्लाई पर देखने को मिलता है और कीमतों पर भी। अभी हाल फिलहाल में तो वहाँ पे जो मौसम है, जो वहाँ के मौसम विशेषज्ञ हैं उनके अनुसार अभी जो हीट वेव है वो इफेक्ट कर सकती है और ज़्यादा, यानी कि सूखे के हालात और ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। जो फसलें हैं वो थोड़ी झुलस सकती हैं गर्मी की वजह से, जिसकी वजह से जो सोयाबीन का उत्पादन है ब्राज़ील और अर्जेंटीना में वो थोड़ा कम रह सकता है। इसी की वजह से हम देख रहे हैं कि विदेशों के अंदर सोयाबीन की कीमतों में उछाल देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी तक पूरी तरह से जो पिक्चर है वो क्लियर नहीं हो पाई है कि एक्चुअल में सोयाबीन का उत्पादन यानी प्रोडक्शन आगे कितना देखने को मिलेगा। दूसरा, जो सोया खली है यानी कि सोयाबीन ऑयल केक, उसकी भी कीमतों में तेज़ी देखने को मिली है। इसी की वजह से सोयाबीन ऑयल केक यानी सोया खली की जो डिमांड है विदेशों में वो ज़्यादा देखने को मिली है थोड़ी। और दूसरा, सोयाबीन की कीमतों में तेज़ी का असर भी सोया खली की कीमतों पर देखने को मिल रहा है। उसकी वजह से देख रहे हैं कि सोयाबीन खली विदेशों के साथ साथ भारत के बाज़ार में भी तेज़ी देखने को मिल रही है। विदेशों का ही असर है जो हम देख रहे हैं कि सोया खली और सोयाबीन पर भारतीय बाज़ार में देखने को मिल रहा है, क्योंकि भारत अभी पूर्ण रूप से खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर नहीं बना है। कोई सा भी तेल हो, किसी भी उससे बनता हो, पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर नहीं है। आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है लेकिन आत्मनिर्भर नहीं बना है। इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि अगर विदेशों में थोड़ी बहुत भी उठापटक होती है खाद्य तेलों में तो उसका असर भारत में भी उठापटक के तौर पर देखने को मिलता है। अगर विदेशों में खाद्य तेलों में बढ़त रहेगी तो उसका असर भारत के तेल की कीमतों पर पड़ता नज़र ज़रूर आएगा। अगर मंदी रहेगी तो मंदी देखने को मिलेगी। हाल फिलहाल में देख रहे हैं कि विदेशों में भी सोयाबीन में तेज़ी है, उसी की वजह से भारतीय सोयाबीन की कीमतों में भी तेज़ी देखने को मिल रही है। हालांकि सरकार ने ड्यूटी फ्री आयात कर रखा है तेल पामोलिन वगैरह का, लेकिन विदेशों में अगर तेज़ी है तो उसका असर खाद्य तेलों पर ज़रूर बनता नज़र आता रहेगा, चाहे सरकार ड्यूटी फ्री कर ले या फिर आयात शुल्क घटा दे। दूसरा, मंडियों में सोयाबीन की आवकों में काफ़ी कमी देखने को मिल रही है। फिर से जितनी मांग है उससे कम ही देखने को मिल रही है सोयाबीन की सप्लाई मंडियों के अंदर, क्योंकि किसानों को उनकी सोयाबीन की फसल का वाजिब दाम नहीं मिल रहा है। और दूसरा, किसानों को भी पता है कि जब विदेशों में तेज़ी है और भारत आत्मनिर्भर नहीं बना है तो सोयाबीन को होल्ड कर लेना ही ज़्यादा बेहतर रहेगा, इसलिए किसानों ने एक बार फिर से सोयाबीन को होल्ड कर लिया है। क्योंकि मंडियों में देख रहे हैं कि सोयाबीन का ज़्यादातर दाम 6500 से 6800 देखने को मिल रहा है। किसानों को जो उम्मीद थी कि 10,000 या उसके ऊपर ज़्यादा नज़र आएगा, 12,000-13,000, क्यों वो दाम किसानों को इस बार नहीं मिले हैं और किसान इसी उम्मीद में सोयाबीन को फिर से स्टॉक करके चल रहे हैं। किसानों को उम्मीद है कि आगे जाके सोयाबीन की कीमतों में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। तो यह था एक छोटा सा कृषि फसल बाजार का अपडेट कि शाम के कार्रवाई सत्र में कृषि फसलों का वायदा बाजार NCDX कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है और उस पर हमारे एक्सपर्ट की क्या राय थी। फिलहाल बाजारों की चाल में अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। सर्दियों में जब लगे वार्डरोब को अपडेट है करना, तब बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्सप्लोर है करना। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।